देश 17वें लोकसभा चुनाव के दौर से गुजर रहा है। केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए तमाम दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। लेकिन इस चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो वाला बन गया है। ये वही कांग्रेस है जो एक वक्त देश की जनता पर राज करती थी, लेकिन आज वो महज 44 सीटों पर सिमट कर रह गई है। हालांकि कांग्रेस को हार का सबसे बड़ा पहला झटका इंदिरा गांधी के दौर में ही मिला था। ऐसे में इंदिरा के दौर को याद करने का ये बढ़िया मौका है। दरअसल साल 1967 के बाद साल 1971 में हुआ लोकसभा चुनाव आजाद भारत का 5वां आम चुनाव होने के साथ साथ देश का पहला मध्यावधि चुनाव भी था। कांग्रेस के अंदर मची उथल पुथल इसी लोकसभा चुनाव से पहले खुलकर सामने आई। वहीं पाकिस्तान का बंटवारा भी इसी साल में देखने को मिला। इसी लोकसभा के वक्त में देश ने पहली बार आपातकाल लगते भी देखा, जिसके बाद कांग्रेस की स्थिति बिगड़ गई और जनता पार्टी सामने आई। 1971 में कुल 520 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से 352 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इसके बाद कांग्रेस ने लगातार 5वीं बार सरकार बनाई थी। इस चुनाव में कुल 15.15 करोड़ वोट डाले गए थे। कुल वोटरों में से 55.3% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इस जीत में कांग्रेस का वोट फीसदी 43.68 था। लेकिन कांग्रेस के अंदर चल रहे मतभेद धीरे धीरे बढ़ने लगे। 1969 में मोरारजी देसाई को अनुशासनहीनता के लिए निष्कासित कर दिया गया। इस घटना के बाद कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, जिन्हें कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर कहा गया। इंदिरा ने दिसंबर 1970 तक CPIM के समर्थन से एक अल्पमत वाली सरकार को चलाया। वो आगे अल्पमत की सरकार नहीं चलाना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने चुनावों की अवधि से एक साल पहले मध्यावधि लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी। 1971 चुनाव में इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, जिसकी वजह से उन्हें भारी जीत मिली। इसी बीच 12 जून 1975 में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के मुख्य प्रतिद्वंदी राज नारायण की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें चुनावी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया और उनके चुने जाने तक को अवैध बता दिया। इंदिरा पर चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। इस पर इंदिरा ने इस्तीफा देने की बजाय देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी। इसके बाद चुनाव स्थगित करवाए गए और राजनीति विरोधियों को कैद कर लिया गया। प्रेस पर भी बैन लगा दिया गया। इंदिरा के इस फैसले से जनता के बीच पहली बार कांग्रेस के प्रति गुस्सा काफी बढ़ गया। यही चुनाव आगे चलकर जनता पार्टी के उदय और केंद्र में कांग्रेस की पहली चुनावी हार का कारण बना। इंडिया न्यूज़ पैरल की रिपोर्ट।